हेलो एवरीवन। सो आज हम एक चैप्टर देखेंगे, चैप्टर थी है ऐसे तो पियर्सन केमिस्ट्री आईटी फाउंडेशन में, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसे तो मैं पहले कह चुका हूँ कि केमिस्ट्री का थ्योरी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आसान रहता है थोड़ा सा। फिजिक्स का थ्योरी थोड़ा हार्ड रहता है, मैथ्स का भी हार्ड होता है, लेकिन केमिस्ट्री में थ्योरी थोड़ा आसान होता है, इसलिए केवल एक्सरसाइज कराने की सोच रहा था। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देना जरूरी है, मतलब थ्योरी का, ठीक है? क्योंकि पिछले बार देखा क्या हुआ, 14-14 लेक्चर बन गए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के, तो बहुत और भी चीजें, कई सारी चीजें पढ़ानी है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, इसका मतलब क्या है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मतलब ये कोई नया लैंग्वेज है क्या, और ये अभी क्यों बताया जा रहा है? मतलब बचपन में तुमने पढ़ा होगा, मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट्स A for apple, B for ball, जैसे कि बचपन में आपने अल्फाबेट्स पढ़े होंगे, ABCD, A for apple, B for ball, या हिंदी में क से कबूतर, ख से खरगोश। तो अब ये नया लैंग्वेज उस समय, मतलब केमिस्ट्री का लैंग्वेज उस समय क्यों नहीं बताया जाता है? तो इसका एक बहुत ही छोटा, मतलब आसान कारण ये है कि जैसे अगर आपको उसमें बताया जाता कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन जो है उसको एन से डोनेट करते हैं, हीलियम एची से, ठीक है, हीलियम एची से, इस तरह से बताया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से फ्लोरीन, नियोन। तो लेकिन ये चीजों को आंखों से देख तो नहीं ना रहे हो आप लोग। हाइड्रोजन सामने है, आप हर समय वाटर में, वाटर H2O होता है, आप हर समय वाटर ले रहे हो, उसमें हाइड्रोजन है, लेकिन आंखों से दिख तो नहीं रहा है। पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन वही आप एप्पल को देख रहे हो। ए फॉर एप्पल आपको बताया जाता है, आप अपने हाथ में लेते हो, उसे खाते हो। बी फॉर बॉल से आप कितना बार खेले हो, ख से कबूतर देख रहे हो, ख से खरगोश देख रहे हो। तो ऐसी चीजें बताना बच्चे को आसान है, लेकिन ये चीजें कैसे बताई जाए, आखिर कैसे उसे कहा जाए? उसे बस ये कहा जाए कि देखो मान लो कि ये है हाइड्रोजन, थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए आगे इवॉल्व होते होते केमिस्ट्री में आपको ये लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का डिफिनेशन जरा सब ये होता है कि द स्टडी ऑफ सिम्बल्स, फॉर्मूला एंड केमिकल इक्वेशंस, स्टडी ऑफ सिम्बल्स, फॉर्मूला एंड केमिकल इक्वेशंस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। बस इतना छोटा सा आप लिख सकते हो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। लेकिन सवाल ये होता है कि हमें लैंग्वेज क्यों चाहिए केमिस्ट्री के लिए? दुनिया में भाषाओं की कमी थी, जो उसी में से कुछ उठा लेते, लेकिन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हीलियम को इंडिया में एची से डोनेट किया जाता, अमेरिका वाले कहते कि नहीं, हम, मेरा मन है कि हम हीलियम को जी से डोनेट करें, ठीक है। चाइना वाले कहते कि मैं कुछ और, पता नहीं कुछ चाइनीज में ऐसे लिख देते हैं, मतलब पता नहीं कैसे लिखते हैं चाइनीज में, मुझे नहीं पता, मतलब इसको, हालांकि कुछ भी इस तरह से ज्वाइंट करते हैं, मान लो जो भी हो। तो इतने कंट्रीज है वर्ल्ड में, लगभग 180 कंट्रीज है, और सब लोग, मान लो सब लोग अलग अलग ना सही, लेकिन मतलब ऐसा कुछ ग्रुप बन जाता, कुछ अमेरिका के में चल जाते कि अमेरिका को मानते कि हाँ देखो हम हीलियम को जी से डोनेट कर गए। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना करो, कुछ चाइना के पक्ष में कि चाइना ऐसे हीलियम को डोनेट करता है तो मैं भी हीलियम को ऐसे डोनेट करूंगा, कुछ इंडिया के पक्ष में आ जाते कि देखो इंडिया ऐसे लिखता है तो मैं ऐसे लिखूंगा, रशिया वाले कुछ और लिखते, तो इस तरह से तो पूरा मेसअप हो जाता। तो इसलिए यूपे की स्थापना हुई, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही वो संस्था है जो कहती पूरा, मतलब सब चीज देखती है कि सिंबल कैसे लिखना है, ओके, ठीक है, सिंबल्स हो गया, एलिमेंट्स का सिंबल, कंपाउंड्स का जो यूपेक नेम होता है, तुमने ध्यान दिया, कंपाउंड का जो यूपेक नेम होता है वो बड़ा स्टैंडर्ड होता है, वो अमेरिका में जो होगा वही इंडिया में भी होगा, वही चाइना में भी होगा, वही मतलब जैसे देखो Na2CO3, ठीक है, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट सब जगह है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में गए तो इसको कुछ और बोल देंगे, चाइना में, रूस में गए तो कहीं और कुछ बोल देंगे, ठीक है, भले इसका कॉमन नेम कुछ और हो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में करके, कमेंट करके बताओ कि इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम कहने का मतलब है जैसे कि तुम्हारे स्कूल का नाम कुछ रहता है, मान लो दीपक है, लेकिन घर का नाम चिंटू या छोटू रख देते हैं, तो स्कूल का नाम ही यूपेक नेम है, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड रहना चाहिए ना। अब थोड़ी स्कूल में तुम अपना नाम छोटू और चिंटू लिखाओगे। तो ये यूपेक नेम इसका सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। अब ये Na2CO3 क्यों है, मतलब ये 2 कहां से आ गया? तो ये फॉर्मूला बनता है, हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, और कैसे पता चलता है कि Na2CO3 होगा, NaCO3 क्यों नहीं होगा, या NaCO3 का होल 2 क्यों नहीं होगा, यही क्यों। तो लेकिन इसका कॉमन नेम तुम लोग मुझे बताएगा, ठीक है,
ये बहुत ही कॉमन है, इसका कॉमन नेम मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना, इसी कंपाउंड का कॉमन नेम कहने का मतलब इसका घर का नाम और यूपेक नेम यानी स्कूल का नाम, इस तरह से थोड़ा सा। तो यूपेक ही वो संस्था है जो सबको जो केमिकल इक्वेशन को कैसे उसके प्रॉपर्टीज वर्क डिस्क्राइब करने के लिए कहीं कोई मतलब विवाद होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए यूपेक ही सामने आता है। तो इसीलिए लैंग्वेज की जरूरत है कि इसका एक अलग लैंग्वेज बनाओ ताकि कहीं विवाद ना हो जाए। अगर अमेरिका वाले कुछ अपना अलग लैंग्वेज बना देते और उसको पूरी दुनिया को मानना पड़ता तो हो सकता है चाइना नहीं माने कि नहीं मैं अपना अलग लैंग्वेज बनाऊंगा। तो एक सेम लैंग्वेज पर सहमति बनी और कहा गया कि देखो सबका इसी में भलाई है कि एक लैंग्वेज हो ताकि दुनिया में प्रोग्रेस हो। अब इंडिया का साइंटिस्ट अमेरिका में जाएगा देखा कि अरे यहां तो सब अलग है, सिंबल अलग है, कंपाउंड अलग है, तो थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ समय लगेगा सीखने में लेकिन थोड़ा वो समय मतलब वो बर्बाद हो जाएगा ना, उसके बदल वो कुछ और खोज कर सकता था। तो इसीलिए एक लैंग्वेज और केमिस्ट्री की जरूरत है जिसमें हम सिंबल फॉर्मूलाज केमिकल रिएक्शन को उसको उस सब किस में परिभाषित किया जाता है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस तो कई चीजें हो सकती हैं, तुम्हारा एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मिक्सचर्स होता है जिसमें एलॉय आ सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, कोलाइडर, आई मीन बहुत सारे चीज होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब कि उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस सब्सटेंस पे, कैटलिस्ट क्या रिएक्शन हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, उसी को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, फिर सॉल्यूशन का मतलब, हर चीज के बारे में तुमको इसमें पढ़ना होगा। क्या लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हीट एनर्जी अथी हो पा रहा है या नहीं, इवॉल्व हो रहा है या हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है, ये सब चीजें देखेंगे। तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। वैसे तुम इंडियन सिनेरियो में तुम कुछ मुझे इंडियन केमिस्ट के नाम बताना कमेंट सेक्शन में, इंडियन केमिस्ट जिन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत महान महान काम किया। एक नाम मैं बताता हूँ, नागार्जुन। अब वो साउथ इंडिया का साउथ मूवी का हीरो नागार्जुन नहीं, वो बहुत बड़े केमिस्ट थे आज से कई सैकड़ों साल पहले। तो प्लीज उनकी जीवनी जाके पढ़ना। और पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र राय जिन्होंने बंगाल फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की थी, उनकी भी जीवनी पढ़ना। उन्होंने एक बुक भी लिखी है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, लगभग 500 पेज की है। तो बुक तो तुम नहीं पढ़ो लेकिन इनकी जीवनी जरूर पढ़ना। एक नागार्जुन जो केमिस्ट है, जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम किए थे, नागार्जुन तुम्हें जानकर विश्वास नहीं होगा अपने कानों पर, लेकिन ये अमृत बनाने में मतलब अमृत बनाने की कोशिश कर रहे थे। यानी जिसको अमृत मतलब समझते हो पीने के बाद आदमी कभी मरे ना, अमृत, और लगभग करीब करीब कहा जाता है कि वे पहुंच भी गए थे। हालांकि ये बात कहां तक सही है मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने भी ऐसा पढ़ा है और भी कई सारी चीजें। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो ऊर्ज स्टील, एक और एग्जांपल देता हूं केमिस्ट्री के लिए, ऊर्ज स्टील ऐसा कुछ, इसको ऊर्ज ऐसे ही लिखते होंगे, ऊर्ज स्टील। टीपू सुल्तान का नाम सुना ही होगा, उसकी वहां जो तलवार बनती थी उसके राज्य में। इनफैक्ट टीपू सुल्तान का जो तलवार था उसका तलवार इतना पैना था कि वो लोहे के कवच को भी काट देता था, ठीक है। और बाद में देखा गया कि तलवार के अंदर ऐसा जो भी तलवार हो यार, तलवार मतलब ये जो यहाँ पर जो ये जो कार्बन थे, जो भी चीज था, जो भी स्टील था, वो ऊर्ज स्टील के तकनीक से बनाया गया था जो उसके राज्य में बनते थे। बाद में अंग्रेजों के स्टील आने के बाद और इंग्लैंड में जब स्टील मैन्युफैक्चरिंग होने लगे बड़े पैमाने पर, तो इसका खत्म होने लगा, मतलब ये क्या बोलते, ऊर्ज स्टील का बिजनेस खत्म होने लगा। तो यहां के इंडिया में अब ऊर्ज स्टील लगभग खत्म हो गया। तो सोचो कैसा मतलब केमिस्ट्री का क्या क्या तथ्य हो सकता है कि तलवार इतना पहना है कि वो लोहे के कवच को भी काट दे रहा है। शरीर को तो मतलब वो तो करेगा ही, लोहे के कवच को भी ऊर्ज स्टील। फिर तुमने देखा ही होगा कुतुब मीनार के बगल में एक लौह स्तंभ है दिल्ली में, उसको आज तक जंग नहीं लगा है। और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, तुम उसका सर्च कर सकते हो। और नहीं है, अगर तुम्हें लगता है प्रूफ करना है तो तुम दिल्ली जाकर वहां देख सकते हो, कुतुब मीनार के बगल में एक लौह स्तंभ है, सैकड़ों साल हो गए पर उसको अभी तक जंग नहीं लगा है। तो उसमें जिस स्टील का प्रयोग, सब केमिस्ट्री के प्रीव्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बताना चाहता था, फिर मैंने बता दिया कि लैंग्वेज और केमिस्ट्री की क्यों जरूरत पड़ी। अब आते हैं कि हमें क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, मतलब ठीक है। तो देखो ये 118 एलिमेंट्स हैं जो अब तक खोजे गए हैं, ठीक है। हालांकि इसमें हमें सब नहीं पढ़ना है, अभी तक आपको केवल 1 to 30 मैंने कहा भी था कि 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक के सभी के सिंबल याद करो, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, क्योंकि अब मैं कैसे बताऊं, अब याद तो करना ही पड़ेगा ना। अब इतने छोटे छोटे चीजें, ठीक है, मैं ये क्या बोलता हूँ, सोडियम देख पा रहा हूँ, ठीक है, एल्युमिनियम भी देख पा रहा हूँ, लेकिन काफी सारी चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कई सारे नॉन मेटल्स हम नहीं देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं देख पा रहे हैं, लिथियम तो देख पा रहे हैं, लिथियम हमारा उसका तो बैटरी का आजकल बहुत सारा बात चल रहा है, ठीक है। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, तो इस सब का तुमको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा।
और वो हम बाद में बात करेंगे। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये 118 एलिमेंट है, और इनफैक्ट 70 के बाद 80 के बाद तो क्या होता है ना कि जो भी है ना 80 के बाद 80 इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो सब काफी मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, बहुत कम है, उनका हाफ लाइफ है, यानी वो बहुत अनस्टेबल है, ठीक है, वो तुरंत तुरंत टूट जाते हैं और वो ज्यादा देर तक नेचर में नहीं रह पाते हैं। तो ये रहा, तो इनको पीरियडिक टेबल को जरा देखना, इसको इसको पीरियडिक नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप है, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, लेकिन दो चीज इनको बाहर निकाला गया, 58 से लेके तुम देखना कि 58 के बाद 57 के बाद सीधे 72 आ जाता है, तो बीच में कहाँ गया, तो देखो 57 के बाद 58 से लेके कहाँ तक 71 तक यहाँ है, इसको क्या कहते हैं, लैंथेनाइड्स है। और 71 के बाद फिर से तुम देखोगे कि यहाँ पर फिर कुछ हुआ है, कहाँ पर गया, कहाँ पर 90 कहाँ गया, 89 कहाँ गया, देखो, और 89 के बाद सीधे 104 आ गया एटॉमिक नंबर, तो देखो 89 के बाद यहाँ पर इसको लाया जाता है 90 से लेके 103 तब जाके 104, इसको इस सीरीज को क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स। तो वो तो बाद में देखेंगे, इसको एफ ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, आई मीन बाद में देखेंगे, बट मैं कहना चाहता हूं कि इतने एलिमेंट्स हो चुके हैं और इसीलिए इतना केमिस्ट्री का बुक मोटा होता जाता है, क्यों, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड से सबका रिएक्शन पढ़ो। फॉर एग्जांपल अगर तुम कार्बन को ही ले लो तो देखो कार्बन सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनता है, सिलिकम कार्बाइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 एक्सेस में C+O2 के साथ अगर लोगे तो 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, फिर कार्बन सल्फर के साथ मिलकर कार्बन CH2 बनाता है, कार्बन 2H2 के साथ मिलकर ये मीथेन बना लेगा, कार्बन वाटर के साथ मिलकर यहाँ पर CO+H2 ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, जेडियन जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन मिलकर यहाँ पर जिंक दे रहा है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, कार्बन H2SO4 यानी क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसको बॉइलिंग करोगे तो CO2+H2O+SO2 देगा, फिर ये भी इसमें भी कार्बन है, इसको ऑक्सैलिक एसिड पढ़ते हैं बाद में देखेंगे, इसको H2SO4 के साथ अगर हीट करोगे, ये हीटिंग का साइन है, तो H2SO4.H2O+CO+CO2 देगा, ये फॉर्मिंग एसिड है, इसको H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करोगे तो H2SO4+H2O+ देखो CO दे रहा है, हर बार कार्बन का कंपाउंड आ रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने लिया। देखो यहाँ पर भी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तुम डिकम्पोज करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है, जिंक कार्बोनेट को तुम डिकम्पोज करोगे तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 देता है, देख रहे हो, बहुत सारे मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट पोसिड उसी का रिवर्स अति हो जाएगा, फिर CO2 मेटल के साथ मिलके क्या बना रहा है NO2CO+। तो कहने का मतलब है कि देख रहे हो कार्बन से ही कितना, कार्बन का ही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इनका डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, बेसिस के साथ रिएक्शन, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट चाहिए या नहीं, और केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं, इससे कई सारे कंपाउंड्स बनेंगे, कार्बन CO2 से कई सारे कंपाउंड बनेंगे। तो पहले तो कार्बन था, कार्बन से CO2 बने, CO2 बने और भी कई चीजें बनेंगे, ठीक है, बेसिस में, एसिड में, और ऐसे करते करते इनका भी कुछ बनेगा, इनको भी फिर से कराओ कुछ से रिएक्शन, ऐसे करते करते बहुत ढेर सारे कंपाउंड बनते जाएंगे, फिर इनका भी रिएक्शन कराओ, इनका भी रिएक्शन कराओ, इनका, और फिर ये जो बनेगा ये भी यहाँ नहीं रुकेगा, इनका भी डिफरेंट केमिकल बोला था ना, बेसिस के साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और फिर मतलब नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ इनको क्या करेंगे हम लोग कंबशन प्रोसेस से। तो इस ये जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर भी ये भी नहीं रुकेगा, ये भी कई सारे कंपाउंड बनाएगा। तो केमिस्ट्री की किताबें इसलिए मोटी होती चली जाती हैं क्योंकि कंपाउंड आया, अब उनका प्रॉपर्टी एनालाइज करते हैं कि वे हमारे कौन से यूज के लिए है। जैसे Na2CO3 था, तो हम लोग एक जानते हो ना बेकिंग सोडा यूज होता है केक में, तो Na2CO3 का, NaCO3 का किस में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं तो इनका यूज हमारे लिए क्या है, ठीक है, तो ये बनते जाते हैं, चेन बढ़ते जाता है और हर सवाल का जवाब न होकर 10 सवाल और पैदा कर देता है। तो इस तरह से बुकें और मोटी होती जाती है। और कार्बन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी ये बड़े बड़े चेन बना सकता है अपने साथ सिंगल बॉन्ड का, यानी रुकता नहीं है, इतना ही नहीं बड़े बड़े चेन बना सकता है। ये केमिकल पीरियड टेबल में सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज है कार्बन, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है कार्बन, इतना बड़ा चेन और कोई पूरे पीरियड टेबल में वो कोई नहीं करता है। मतलब अरे ये नहीं कि ये गिन लेना 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 ही चेन हुआ, नहीं अरे बहुत बड़ा चेन भाई, इसमें तो लिख भी नहीं सकते हैं, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड का, यानी इसको कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और ये क्यों करता है तो इसका एक अभी बताऊंगा तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी बोल देता हूं कि ये स्मॉल एटम है और टेट्रावेलेंसी के कारण ये ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी बड़े बड़े चेन बना सकता है, ठीक है। कभी भी O2 देखे हो, O3 देखे हो, लेकिन O4 देखे हो क्या, O5 देखे हो क्या, ऑक्सीजन का 5 ये ऐसा कंपाउंड नहीं देखे हो ना, क्योंकि ऑक्सीजन O3 तक आते आते इसके बाद जो भी एलिमेंट बनेगा ना O4 ये
स्टेबल नहीं है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, इसलिए नहीं बनता है। ओ फाइव नहीं देखो, ओ सिक्स नहीं देखो, ओ सेवन नहीं देखो, ओ एट नहीं देखो, ओ नाइन नहीं देखो, ओ टेन नहीं देखो, क्या ऑक्सीजन इससे आगे नहीं बढ़ सकता? इसी तरह कई सारे चीजों का यही हाल है, समझ में आ रहा है। लेकिन कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन मेटल है नॉन मेटल है मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए मैं दिखाना चाहता था कि देखो अब 118 एलिमेंट्स है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया, और प्लस मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी दिन तुम में से या किसी ने एक ऐसे एलिमेंट की खोज कर दी मान लो जिससे बाकी 118 एलिमेंट बन सके, 118 ना सही मान लो शुरू के 70 एलिमेंट भी बन सके, क्योंकि बाकी 70 या 80 एलिमेंट भी बना सके तुम उस एलिमेंट से, उसी एलिमेंट से बाकी 80 एलिमेंट, शुरू के 80 एलिमेंट बना सके पीरियोडिक टेबल के, तो केमिस्ट्री रुक जाएगा उस दिन। केमिस्ट्री एक अब उसके बाद विकास नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो बाकी 80 को बना सकता है, बाकी के उसके बाद तो जो होते हैं वो काफी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मिल जाए जो बाकी सबको बना तो बढ़िया है, लेकिन 80 तक भी मिले तो बहुत बढ़िया है। चलो मान लिया कि सभी को बना सकता है, 118 एलिमेंट को बना सकता है ये अकेले एलिमेंट, कोई मान लो एक से एलिमेंट है, किसी दिन इसने किसी ने खोज की इसकी, तो केमिस्ट्री उस दिन क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इसलिए चल पा रहा है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं, उनका रिएक्शन होते जा रहा है, उनसे कंपाउंड बनते जा रहा है, उनके प्रॉपर्टी को हम देख रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, फिर उनका फिर से रिएक्शन दूसरी चीज से करा रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर एसिड बेसिस सॉल्ट, आई मीन कई सारी चीजों से उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर सिस्टम रखा जा रहा है, टेम्परेचर सिस्टम रखा जा रहा है। तो ये मैंने द कंप्लीट वर्क स्वामी विवेकानंद पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लेक्चर दिया था अमेरिका में कि अगर ऐसा एलिमेंट कोई हो जाए तो उस दिन केमिस्ट्री क्या हो जाए? रुक जाएगा, क्योंकि एक ऐसी चीज मिल गई जो सबको जोड़ती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एलिमेंट मिल गया तो इससे जो मतलब हमें चाहिए दूसरा एलिमेंट वो मतलब बहुत डिफिकल्टी से मिले, आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सके। इसी एलिमेंट से कार्बन भी बन जाए, इसी एलिमेंट से नाइट्रोजन भी बन जाए, इसी एलिमेंट से ऑक्सीजन भी बन जाए, इसी एलिमेंट से कुछ भी चीज क्लोरीन बन जाए, इसी एलिमेंट से, इसी एलिमेंट से फॉस्फोरस, इसी एलिमेंट से जिंक बन जाए, इसी एलिमेंट से मान लो आयरन बन जाए। मैं जानता हूँ ये बहुत ही काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ऐसा तो हो नहीं सकता जल्दी। इसी एलिमेंट से गोल्ड बन जाए, इसी एलिमेंट से सिल्वर बन जाए, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए तो केमिस्ट्री उस दिन क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा चीज मिल गया जो सबको बांधती है, और केमिस्ट्री इसलिए इतना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं, उन पर रिएक्शन होते जा रहे हैं, तो उनका वैलेंसी चेक हो रहा है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा जा रहा है, आई मीन बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हालांकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो केमिस्ट्री क्या होगा? एज ए साइंस है, वो रुक जाएगा, वो आगे विकास शायद नहीं कर पाएगा उतना, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये दो चीजें मतलब फिजिकल चेंज केमिकल चेंज तो तुम पढ़ते ही रह रहे हो, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कुछ प्रोसेस का मुझे एग्जांपल देना जिसमें फिजिकल प्लस केमिकल दोनों इवॉल्व है, फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज आते हैं। कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों चेंज एक साथ होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिजिकल उसमें हो रहा है और केमिकल नहीं हो रहा है, या केमिकल हो रहा है फिजिकल नहीं हो रहा है, दोनों चेंज उसमें होने चाहिए। कोई ऐसा प्रोसेस है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं तुम लोग से, हालांकि मैंने भी बताया नहीं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, मैं आगे क्लास में बताऊंगा, अभी केवल इंट्रोडक्शन है। और एक ऐसे प्रोसेस का भी एग्जांपल देना जो ना तो फिजिकल चेंज में आता है और ना ही केमिकल चेंज में आता है, अगर ऐसा है तो। फिर दूसरा, लर्न ब्रेजिलियस सिस्टम ऑफ राइटिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल एच, हीलियम का सिंबल कैपिटल एच और स्मॉल ई, लेकिन हीलियम भी तो एच से शुरू होता है, फिर एच ही क्यों? इसका भी एच क्यों नहीं, या एच कुछ एच वन रख लेते हैं या कुछ और रख लेते हैं, लेकिन एच ही क्यों? तो किसने डिसाइड किया कि ये एच ही होगा हीलियम का सिंबल? तो हम लोग ये ब्रेजिलियस सिस्टम देखेंगे। नो द मीनिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, बाइनरी कंपाउंड यानी बाइनरी मतलब दो, बाइनरी एक ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हो उसी को बाइनरी कंपाउंड तुम कह सकते हो, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी कंपाउंड। फिर कटायन एनायन पढ़ेंगे, मोनोवेलेंट डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड वैलेंसी ऑफ वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, रिप्रेजेंट केमिकल चेंजेस बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशंस एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यही ना, एक होता है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें लगता है केमिकल कॉम्बिनेशन में, इसलिए तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि सही में मास नहीं कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है सॉरी लेकिन केमिस्ट्री में एक सिनेरियो है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, तो उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन से
इलेक्ट्रॉन के चलते रिएक्शन अति होता है, तो इसलिए केमिस्ट लोग क्या करते हैं कि सीधे मास ही ले लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। तुमने देखा होगा लेविजियर ने जो कहा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास वाला जो था वो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है, हम लोग देखेंगे इस चीज को। लर्न ट्रायल एंड एरर मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करना, लेकिन क्यों करना है, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास लग रहा है, लेकिन वो पूरी तरह सही नहीं है, वहां हम क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे, अब फिर हम लोग देखेंगे उसको। तो इसी चलते हम लोग केमिकल क्या बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को। तो ट्रायल एंड एरर मेथड अभी देखना है, अभी कोई दूसरा चीज नहीं करना है हमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या टाइट्रेशन या कुछ दूसरे मेथड से हमें केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं करना है, अभी केवल ट्रायल एंड एरर मेथड यानी रख रख के देखना है। और मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी करवाऊंगा, स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस रिएक्शन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्शन, स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस यानी वो केमिकल रिएक्शन किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, जो जो भी कुछ कुछ नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, फोटोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, कैसा है रिएक्शन हो, और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन में हीट एनर्जी निकल रहा है नहीं, लाइट एनर्जी निकल रहा है नहीं, इस तरह से के साउंड भी एनर्जी भी निकल रहा है, तो हीट लाइट साउंड हीट एनर्जी का सबसे ज्यादा बहुत बार पढ़ना है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, द एनर्जी चेंजेस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये चीज देखेंगे हम लोग। तो ये था, और बाकी तुम्हारे लिए ये है कि तुम 2008 में नोबेल प्राइज किसने जीता था, एंड्री गेम एंड कॉन्स्टेंटिन नोवोसेल्वे, इन्होंने किस लिए जीता था, फॉर वर्क ऑन ग्राफीन, ग्राफीन पे इन्होंने काम किया था, इसके लिए 2010 का नोबेल प्राइज इन दो साइंटिस्टों को मिला था, एंड्री गेम एंड कॉन्स्टेंटिन नोवोसेल्वे। तो तुम पढ़ के आना इनके वर्क के बारे में, तुम सर्च करोगे गूगल पे और ग्राफीन के बारे में पढ़ के आना, क्योंकि ग्राफीन कार्बन से ही संबंधित है और एक बहुत बड़ी खोज थी, मतलब इस पर काफी उन्होंने काम किया था। और एक और चीज, 1992 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए रुडोल्फ एम मार्कस ने जीता था, ठीक है, एक साइंटिस्ट है, किस लिए जीता था, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर रिएक्शन इन केमिकल सिस्टम। तो ये टॉपिक भी तुम पढ़ के आना कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल सिस्टम में रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरह से होता है, इस पर उन्होंने थ्योरी दिया था अपना। तो रुडोल्फ एम मार्कस को 1992 का नोबेल प्राइज मिला था, किसके, केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो ये भी तुम इनका टॉपिक पढ़ के आना कि आखिर उन्होंने क्या थोड़ा सा काम किया था, मैं बस ये चाहता था कि आप जानो। तो आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे कटायन एनायन और केमिकल फॉर्मूला कैसे ठीक करते हैं, थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, तुम्हें प्लीज तुम पूरा पढ़ लेना, सारा चीज पढ़ लेना तुम, ठीक है, ये लैंग्वेज ऑफ सब्सटेंसेस, सॉरी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, सब चीज पढ़ लेना, सारा सिंबल वगैरह तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि अब इसका क्या बताएंगे कि क्यों यही सिंबल है, तो थोड़ा सा बता सकता हूं, एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं, आयन रेडिकल हो गया, उसके बाद फिर केमिकल फॉर्मूला हो गया, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट हो गया, एसिड बेस को कैसे नेमिंग करते हैं ये हो गया, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, हैलोजन रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, और उसके एक्सरसाइज खत्म, और तुम पूरा थ्योरी तुम्हें पढ़ना है खुद से, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तुम खुद से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये था कुछ कुछ कि केमिस्ट्री में कैसे तुम आगे बढ़ोगे, क्यों लैंग्वेज की जरूरत पड़ी है अलग लैंग्वेज की, ठीक है, मैंने जो भी सोचा। तो प्लीज ये वाला भी पढ़ के आना, ये क्या बोलते हैं, एंड्री गेम कॉन्स्टेंटिन नोवोसेल्व, सर्च करोगे गूगल पे, अपने आप एक पेज खुलेगा, उसका पीडीएफ डाउनलोड करना, ज्यादा आएगा नहीं, 11 पेज का है ये, ग्राफीन वाला, और बाकी इनका भी पढ़ना, 1992 को रुडोल्फ एम मार्कस को नोबेल प्राइज दिया गया था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था, तो तुम्हें जरूर कुछ नया मिलेगा, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स रिएक्शन इन केमिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कैसे करता है, मेनली वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही टेक प्लेस करता है एटॉमिक लेवल पे। तो इसीलिए इनको जरूर पढ़ना है, रुडोल्फ एम मार्कस को, इन्होंने क्या थ्योरी दिया था। सो गाइज आगे देखेंगे, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।